भारतीय संगीत में अपनी सुरीली आवाज से संगीत प्रेमियों के दिल में छाप छोड़ने वाले गायक मुकेश चंद्र माथुर की 48वीं पुण्यतिथि संगीतमय शाम के बीच मनाया गया। पवन सारे गामा द्वारा रजरप्पा सीसीएल के ऑफिसर्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम में रजरप्पा प्रबंधक विनोद कुमार सहित अन्य कई गणमान्य और हजारों श्रोता शामिल हुए। इस दौरान पवन कुमार, आदित्य छाया के अलावा अन्य कलाकारों द्वारा गाए गीतों और राजू हलचल के नृत्य के बीच श्रोता झूमते नजर आए। कार्यक्रम में अतिथियों ने मां शारदे और मुकेश के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा अर्पित किया। वहीं कहा कि पवन सारेगामा लगातार 25 वर्षों से यह आयोजन संगीत प्रेमियों के लिए कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस आयोजन से मुकेश चंद्र माथुर की यादें ताजा हो जाती हैं। मौके पर गोला सीओ, चितरपुर सीओ, रजरप्पा थाना प्रभारी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में पहली बार सम्मिलित हूं और मुझे रियल में देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि ये पवन सारेगामा की पूरी टीम, मतलब एक तो इतने अच्छे कलाकार और इतने उम्दा कलाकार हैं और सभी लोग हमारे जो पुराने संगीत गायन के लिए मुकेश जी के याद को कंटिन्यू जो बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, उनकी मेमोरीज को हम सभी लोगों के साथ रख रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल ही इन लोगों का प्रयास सराहनीय है। सबको मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ। और शुरू में पवन जी ने बोला कि पिछले 25 सालों से ये क्लब इस कार्यक्रम के लिए इस तिथि में इन्हें उपलब्ध होता रहा है रजप्पा क्षेत्र से या रजप्पा प्रोजेक्ट से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जितना भी साल होगा, पवन जी ने कहा कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक ये मुझे उपलब्ध होता रहे, तो मैं नहीं समझता कि अगले साल मैं रहूँ या कोई और रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस पुण्य काम के लिए कोई भी आदमी इसको ना नहीं बोल सकता है।